क्या इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग साइकिल रैली जो निकालेंगे वो उनका ये संदेश देना चाहिए कि हमारे जो समृद्ध जी थे उनका ये सपना था कि हम लोगों को एकदम जैसे समाजवादी सरकार चलाई थी काम का उन्होंने जो विकास कराया था अपने बारे में हम लोग बताएंगे और जन जन तक पहुँचाएंगे। हम लोगों ने आप लोगों में बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने आज तक जो भी आंदोलन हुए समाजवादी पार्टी के आप लोगों ने मेरा हर दिल से तन मन धन से आप लोगों ने मेरा सहयोग किया। मैं इसी के साथ साथ ये भी मान रहा हूँ कि जो आप लोगों ने संख्या लिखवाई है ये संख्या इतनी नहीं रहेगी जो समाजवादी पार्टी के नेता इतने हैं कि यहाँ पीलीभीत में कोई बड़ा हाल ले लिया जाए तो वहाँ पूरे नहीं पाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा हाल है, ये तो एक एक क्षेत्र से एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता आया हुआ है। जितने हमारे नेता हैं तो बहुत ज़्यादा नेता हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ नहीं आए हैं आप सब लोगों को उन तक सूचना पहुँचाइए ताकि हम लोगों को जैसे पार्टी जी ने बताया है कि धारा 24 लागू है। पहले हम लोगों ने जो भी धंधा पत्र की हमेशा धारा 44 लागू रही है लेकिन हमारा संख्या बल इतना था कि पुलिस प्रशासन गया डीएम जी अपने चैम्बर में बैठ के देखता था ये वही समाजवादी क्या कर रहे हैं आप उनकी हिम्मत वाली हम लोगों का जो उद्देश्य है माननीय राष्ट्रीय सचिव का जो उद्देश्य है हम लोगों को पूरा करना है। अभी हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोगों ने तन मन से लड़ाई करें। ये टिकट वाली जो बात है एक दूसरे को निकलती है वो आप करना छोड़ दीजिए। अगर हम लोग कार्यकर्ता हम लोगों का पहचान है तो इसीलिए पहचान होगी यदि हमारी सरकार बन जाए। अगर ये बहुत अच्छा मौका 2022 में अगर ये मौका हम लोग चुक गए तो हम लोग सत्ता में ना आ सकें। हम लोगों